अब देखिए हम प्रश्नावली चौदह दशमलव तीन को प्रारंभ करेंगे इसमें हमें पहले प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित मिश्र कथनों में से पहले संयोजक शब्द को पहचानिए और फिर उनको घटक कथनों में हमको विभाजित करना है तो देखो हमें यहां पर दो काम कर रहे हैं सबसे पहले हमें क्या करना है कि संयोजक शब्द को पहचानना है और फिर हमें घटक कथनों में लिखना है संयोजक शब्द कौन कौन से होते हैं पहले उसको समझ लीजिएगा देखिए दो ही तरीके के संयोजक शब्द होते हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें पहले तो अब कौन कौन से होते हैं उनको समझ लीजिएगा पहला संयोजक शब्द होता है या और दूसरा संयोजक शब्द होता है और अब और को जैसे और नाम भी हम बोल सकते हैं जैसे तथा भी लिख सकते हैं एवं भी लिख सकते हैं वो अलग बात है लेकिन सेंस में केवल दो ही तरीके के हमारे पास संयोजक शब्द होते हैं मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूं या को हम ओ आर लिखते हैं तो ये और अंग्रेजी में या होता है हिंदी का और ये जो और हिंदी में होता है इसको हम एंड लिखते हैं तो इस पर आप विशेष ध्यान रखें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो या को बोलेंगे संयोजक शब्द और एक दूसरा कौन सा बन जाएगा और जो कि हिंदी वाला है दो तरीके के संयोजक शब्द आपको पता लग गए और घटक कथनों में तो आप विभाजित करना जानते ही हैं आपने पिछली प्रश्नावली में एक सवाल ऐसा किया हुआ है चलिए सबसे पहले प्रश्न बार यहां पर हम बढ़ते हैं इसमें बोला गया है कि सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं और सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं नहीं होती हैं तो आपको देखो तुरंत समझ में आ गया यहां पर संयोजक शब्द कौन सा है और है तो पहला वाला भाग मैं यहां पर लिख रहा हूं तो मैं यहां पर देखो संयोजक शब्द भी लिखूंगा और घटक कथन सब साथ साथ लिखूंगा और यहां पर आपको साफ सी बात मालूम पड़ रही है दो घटक कथन है ध्यान रखो हमेशा मिश्रित कथन जो होता है मतलब जो घटक कथनों से मिलकर एक बना कथन होता है मिश्रित कथन उनको हमेशा बीच में संयोजक शब्द लगाकर ही बनाया जाता है तो जैसे जहां भी आपको संयोजक शब्द दिखाई दे जाए तो समझ लीजिएगा उतने से एक ज्यादा आपके पास घटक कथन जरूर होंगे तो एक संयोजक शब्द दिखाई दिया तो आपको समझ जाना है कि वहां पर आपके पास दो घटक कथन होंगे एक मान लो मैंने पी बोल दिया और एक मैंने क्यू बोल दिया अब बारी आती है कि संयोजक शब्द क्या था पहले वाले भाग में तो ये था और फिर पहला घटक कथन अब हमें लिखना है तो पहला घटक कथन हो गया कि सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं तो ये आपके पास पहला घटक कथन आ गया दूसरा घटक कथन क्या हो जाएगा ये वाला अर्थात सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्या नहीं होती हैं। तो ये पहला वाला भाग आपने पूरी तरीके से हल कर दिया चलिए दूसरे वाले भाग पर आ जाते हैं इसमें बोला गया है कि किसी पूर्णांक का वर्ग धन या ऋण होता है तो देखो आपको तुरंत यहां से समझ में आ गया कि संयोजक शब्द कौन सा हो गया हमारे पास या वाला हो गया तो दूसरे वाले भाग में भी यहां पर मैं देखो संयोजक शब्द लिखूंगा और घटक देखूंगा घटक कथन यहां पर भी दो आएंगे एक मान लीजिएगा पी मैंने कथन बोल दिया और दूसरे कथन को मैं क्यों नाम दे देता हूं तो मैं अब उनके बारे में आपसे बात कर रहा हूं तो ये संयोजक शब्द यहां पर क्या आया है आपके पास या आया है ध्यान रखें अब पहला घटक कथन क्या हो गया कि किसी पूर्णांक का वर्ग धन होता है मतलब धनात्मक होता है अब यहां पर आप ये देखो कि यहां पर दूसरा जो कथन है वो आपको सीधे डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा इतना ही है आपको खुद से सोचना पड़ेगा दूसरा कथन क्या होना चाहिए कि किसी पूर्णांक का वर्ग ऋण होता है तो ऐसे शब्द यहां पर हो सकता है कि कभी कभार आपको खुद से पूरा कथन लिखना पड़ेगा तो आप लिख सकते हैं किसी पूर्णांक का वर्ग ऋण आएगा और होता है तो इस तरीके से आपके पास दूसरा वाला भाग हल हो जाएगा चलिए अब तीसरे वाले भाग की तरफ बढ़ते हैं तीसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि रेत अर्थात बालू धूप में शीघ्र गर्म हो जाती है और रात्रि में शीघ्र ठंडी नहीं होती है तो देखो तुरंत समझ में आ गया ये जो और है यही हमारे पास संयोजक शब्द का काम करेगा तो इसमें भी आपके पास देखो दो घटक कथन आ रहे हैं और एक संयोजक शब्द आ रहा है तो मैं उनको भी लिख लेता हूं संयोजक शब्द पहला घटक कथन P हो गया और दूसरा घटक कथन मैं Q से प्रदर्शित कर रहा हूं तो संयोग्य शब्द हमारे पास क्या आया था यहां पर और आया था अब घटक कथन की बारी आती है लिखने की तो देखो क्या आएगा पहला घटक कथन रेत धूप में शीघ्र गर्म हो जाती है रेत अर्थात बालू तो मैं लिख देता हूं रेत धूप में शीघ्र गर्म हो जाती है यह पहला घटक कथन हो गया अब दूसरा घटक कथन की बात करते हैं तो दूसरा घटक कथन क्या होना चाहिए हमारे पास कि देखो रात्रि में शीघ्र ठंडी नहीं होती तो इतना ही नहीं लिखना हमें सोचना पड़ेगा किसके बारे में बात हो रही थी रेत के बारे में बात हो रही थी तो अब हम लिखेंगे रेत रात्रि में शीघ्र ठंडी नहीं होती है तो इस तरीके से आपके पास तीसरा वाला हल हो गया अब चौथे वाले भाग की तरफ बढ़ते हैं चौथे वाले भाग में देखिए आपको बोला गया है कि x बराबर दो और x बराबर तीन समीकरण तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दस बराबर जीरो के मूल हैं। तो यहां पर भी आपने देखा देखो तुरंत समझ में आ गया कि और लिखा हुआ है मतलब यही आपके पास संयोजक शब्द का काम कर रहा होगा तो यहां पर मैं देखो चौथा वाला भाग लिख रहा हूं इसमें हमारे पास संयोजक शब्द आएगा और तथा एक घटक सॉरी दो घटक कथन आएंगे तो मैं एक घटक कथन को पी से प्रदर्शित करूंगा और दूसरे को क्यू से तो यहां पर यह संयोग्य शब्द क्या आया है और आया है पी वाला घटक कथन हमारे पास हो जाएगा कि x बराबर दो। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ था आपको समीकरण तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दस बराबर जीरो का मूल है ये लिख देते हैं समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दस बराबर जीरो का मूल है अब आपको यह नहीं सोचना है कि सत्य कथन है या गलत है यह आपको नहीं बताना है केवल आपको कथन में व्यक्त करना था आपने कथन में व्यक्त करना है आपको काम है बस यहां पर दूसरा वाला घटक कथन हो जाएगा समीकरण दस बराबर जीरो का एक मूल है तो इस तरीके से आपने यहां पर चारों कथनों के बारे में संयोजक शब्द भी बता दिया और यह भी बता दिया कि उनके घटक कथन क्या क्या होंगे तो देखो दूसरे वाले प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों में परमाणुवाचक वाक्यांश पहचानिए और कथनों के निषेधन लिखिए अब यहां पर एक आपके पास तर्म जो आया है अभी तक जो हमने यूज नहीं किया कहीं वो है परमाणुवाचक वाक्यांश वाक्यांश हम सब समझते हैं वाक्यांश मतलब होता है वाक्य का अंश मतलब छोटा सा भाग अब ये परमाणवाचक का क्या मतलब है उसको समझ लेते हैं परमाण मतलब जो गिनती को समझाता हो और वाचक मतलब जिससे गिनती हमें समझ में आ रही है परमाण मतलब गिनती परमाण वाचक मतलब जो गिनती को बताता हो तो हमें हर कथन में यहां पर देखिए तीन कथन है आपके पास और हमें हर कथन में ऐसे अंश बताने हैं जहां से हमें गिनती के बारे में पता लग रहा है कथन की इसके बाद ये तो हमें करना ही है और हमें फिर बोला गया है हमें कथनों के निषेधन भी लिखने निषेधन लिखना आप जानते हैं वो मैं आपको यहां पर भी समझाऊंगा अब जैसे देखो पहला वाला जो हमारे पास कथन है वो है एक ऐसी संख्या का अस्तित्व है जो अपने वर्ग के बराबर है यह हमको दिया हुआ है अब यहां पर देखो परमाणवाचक वाचक वाक्यांश क्या होगा अब मैं वाक्यांश नहीं लिख रहा हूं सीधे परमाणवाचक वाचक लिख रहा हूं परमाणवाचक का मतलब यही है जो गिनती को बता रहा हो तो वो छोटा सा पार्टी होगा तो इसलिए वाक्यांश लिखने का कोई भी औचित्य नहीं है अब खुद सोचिए कि परमाण क्या इसमें यहां पर गिनती आ रही है हमारे पास आ रही है गिनती एक ऐसी संख्या का अस्तित्व है मतलब इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि कम से कम एक संख्या तो ऐसी है जो अपने वर्ग के बराबर है आगे एक से ज्यादा हो या नहीं हो लेकिन हमें यह समझ में आ रहा है एक ऐसी संख्या तो है तो परमाण यहां पर क्या समझ में आ रहा है एक ऐसी संख्या है तो हम उसे लिख सकते हैं वहां मौजूद है कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं अब मतलब तो देखो यही है इसका या अगर इसका अगर हम डेफिनेशन की बात करें अगर मैं इसको समझने की बात करूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एक का अस्तित्व है हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं अब एक किसका अस्तित्व है तो ये आपको प्रश्न में दिया होगा मतलब एक का अस्तित्व मतलब जो भी प्रश्न में दिया हुआ उसके लिए किसी ना किसी एक का तो अस्तित्व है तो हमारे पास ये प्रमाणवाचक हो गया आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है तो मैं यहां पर इस तरीके से मैंने इनको लिख दिया है अब हमें क्या करना है कथनों का निषेधन लिखना है निषेधन आप जानते हैं एक तरीके से उसका नेगेटिव करना होता है तो यहां पर अब देखो हम इसका निषेधन कैसे लिखेंगे हम यहां पर इसको लिखेंगे कि ऐसी एक भी संख्या नहीं है जो अपने वर्ग के बराबर है तो ऐसी एक भी संख्या नहीं है जो अपने वर्ग के बराबर है अब ध्यान रखें कभी भी निषेधन आए तो निषेधन हमेशा इन्हीं में चेंज किया जाता है जो हमारे पास परमाणुवाचक होते हैं तो देखो आपको बोला गया कि कम से कम एक ऐसी संख्या है देखो कम से कम मैं अपने समझने के लिए बोल रहा हूं वैसे तो लिखा है एक ऐसी संख्या का अस्तित्व तो है लेकिन मतलब तो यही हुआ कि एक संख्या तो है ऐसी जो अपने वर्ग के बराबर है मतलब कम से कम एक संख्या तो है अब आपको उसका नेगेटिव करना है इसका मतलब यही हो सकता है कि ऐसी एक भी संख्या नहीं है तो ये हमारे पास पहला वाला भागल हो गया अब दूसरे वाले भाग की तरफ बढ़ता हूं तो दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक्स के लिए एक्स एक्स प्लस एक से कम होता है अब देखो दूसरे वाले भाग में भी प्रमाणवाचक है और उसका भी हमें देखो निषेधन तो लिखना ही है तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं परमाणवाचक आपको बताऊंगा फिर उसके बाद हम निषेधन पर आएंगे तो मैं केवल हेडिंग लिख रहा हूं देखिए प्रमाणवाचक मतलब जो गिनती को बताता हो तो गिनती के लिए आपको समझ में आ रहा है प्रत्येक लिखा हुआ है प्रत्येक का मतलब ही यह है कि हर कोई मतलब ऐसी हर संख्या होगी कोई भी संख्या नहीं बची मतलब प्रत्येक तो प्रमाणवाचक क्या हो गया हमारे पास प्रत्येक लिख दो या प्रत्येक के लिए इस तरीके से आप लिख देंगे ये हमारे पास परमाणुवाचक हो गया अब इसका निषेध हमें लिखना है निषेध अर्थात इसका नेगेटिव हमें लिखना है तो सोचिए इसका नेगेटिव आपके पास क्या होना चाहिए इसका नेगेटिव होना चाहिए कि एक वास्तविक संख्या x ऐसी जरूर है जिसके लिए x x 1 से कम नहीं है मतलब ध्यान रखो अधिक ना लिखो कम का उल्टा अधिक नहीं होता कम का क्योंकि कम नहीं है का मतलब ये भी हो सकता है वो बराबर भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है कुछ भी हो सकता है लेकिन अगर आपने अधिक लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा एक ऐसी संख्या है जिसके लिए एक ऐसी संख्या x है जिसके लिए x x प्लस एक से कम नहीं है तो इस बात का ध्यान रखें कम नहीं है बिल्कुल सही कथन मैंने लिखा है निषेधन में अगर कोई लिख देता है अधिक है तो गलत हो जाएगा क्योंकि कम नहीं है का मतलब ये नहीं होता कि अधिक ही हो, हो सकता है वो बराबर भी हो अब तीसरे वाले कथन पर आ जाते हैं इसमें बोला गया है भारत के हर एक राज्य प्रदेश के लिए एक राजधानी का अस्तित्व है तो देखो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर भी आपके पास परमाणुवाचक है वाक्यांशिक और हमें यहां पर भी निषेधन तो लिखना ही है तो सबसे पहले तो मैं परमाणु वाचक आपके सामने बताऊंगा और फिर हम निषेधन पर आएंगे कि आखिर निषेधन उसका क्या होगा तो देखिए यहां पर भी आपको समझ में आ रहा है कि हर एक राज्य के लिए एक राजधानी का अस्तित्व है तो एक का अस्तित्व है तो यही हमारे पास प्रमाण वाचक हो जाएगा तो मैं लिख देता हूं एक का अस्तित्व या वहां मौजूद है इस तरीके से मैं लिख सकता हूं अब इसका हमें क्या करना था निशेधन लिखना था तो निधन लिखना था मतलब क्या होगा कि भारत में एक राज्य ऐसा मौजूद है या मैं बोल सकता हूं कम से कम एक राज्य ऐसा मौजूद है जिसके पास पूंजी नहीं है तो यहां पर हम लिख दें सॉरी पूंजी कह रहा हूं यहां पर राजधानी नहीं आएगा तो ये लिख देंगे भारत में एक ऐसा राज्य है जिसके पास राजधानी नहीं है तो यह आपका यह प्रश्न इस तरीके से हल हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं प्रश्न संख्या तीन की तरफ जांचिए कि क्या नीचे लिखे कथनों के जोड़े अर्थात युग्म जो हैं आपके पास कथनों के वो एक दूसरे के निषेधन हैं या नहीं है और आपको अपने उत्तर के लिए कारण भी बतलाना है अब ये आपके पास प्रश्न है तीसरा सबसे पहले तो हम देखें यहां पर पहला जो कथन है हमारे पास उसमें लिखा हुआ है प्रत्येक वास्तविक संख्याओं x और y के लिए x प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स सत्य है अब अगर आपके सामने देखो ये पहला कथन है कि x y y x सत्य है अगर मुझे इसका नेगेशन लिखना होता मतलब पहले वाले कथन का निधन लिखना होता तो मैं क्या लिखता प्रत्येक के लिए सत्य नहीं है मतलब एक ऐसी संख्या का अस्तित्व तो है मैं लिखता चलिए मैं बता देता हूं ऐसी संख्या का अस्तित्व तो है या ऐसी संख्या मौजूद तो है जिसके लिए एक्स प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स सत्य नहीं है तो हम बोलेंगे एक दूसरे के निषेधन हो गए क्योंकि पहले का निषेधन दूसरे के बराबर हो गया या मैं बोल सकता हूं दूसरे का निषेधन पहले के बराबर तो अब देखिए क्या ये दूसरे के बराबर आ रहा है तो बिल्कुल नहीं आ रहा है क्योंकि दूसरे कथन में क्या बोला है ऐसी वास्तविक संख्याओं का अस्तित्व जिनके लिए एक्स प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स सत्य है बिल्कुल सेम है लेकिन बस मैंने क्या लिखा है पहले का निषेधन में सत्य नहीं है तो चूंकि पर पहला का निषेधन जो मैंने ये लिखा और दूसरा कथन वो सत्य बराबर नहीं आ रहे एक जैसे नहीं आ रहे इसलिए मैं बोलूंगा एक व दो ये जो दो तो कथन है एक दूसरे के निषेधन नहीं तो इस तरीके से आपके पास तीसरा वाला प्रश्न हो गया अब चौथे वाले प्रश्न पर आते हैं चौथे वाले प्रश्न में देखिए आपको क्या बोला गया है कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में प्रयुक्त या अपवर्जित है या अथवा अंतर्विष्ट है और अपने उत्तर के लिए आप कारण भी बतलाइए अब देखिए यहां पर आपके लिए दो कथन आए हैं जिनको पहले समझ लेते हैं कथन मतलब ये जो वाक्यांश है अपवर्जित अंतर्विष्ट या तो हम जाते हैं एक संयोजक शब्द होता है अब या भी दो तरीके का हो सकता है एक हो सकता है अपवर्जित और एक हो सकता है अंतर्विष्ट पहले इसको समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है फिर हम इस प्रश्न पर आएंगे तो अपवर्जित का मतलब क्या है पहले उसको समझ लेते हैं अपवर्जित का मतलब है कि जब आपके सामने एक ऐसी कंडीशन हो कि आप उनमें से केवल एक ही काम कर सकते हैं मतलब एक ही चीज सही हो सकती है जैसे आपके सामने हो सकता है कि मैं आई या एन आई जाऊंगा तो इसका मतलब क्या हुआ आप खुद सोचिए कि अगर मैं का मतलब कोई भी जैसे अगर मैं आप अपने लिए भी बोल रहे हैं तो अगर आप आई चले गए तो क्या आप एन जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे या एन चले गए तो क्या आप आई जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे तो आप इनमें से कोई एक ही काम कर पा रहे हैं देखो लेकिन लग तो संयोजक शब्द या ही रहा है यहां पर तो यहां पर जो ये, ये या होगा वो एक अपवर्जित वाला या हो जाएगा अब बात आती है अंतर्विष्ट की तो अंतर्विष्ट वाला या कौन सा होता है उसको समझ लेते हैं अंतर्विष्ट वाला या वो या होता है जिसमें आप दोनों काम साथ में कर सकते हैं हो सकता है एक ही काम करें लेकिन दोनों संभावनाएं हो सकती हैं तो जैसे आप ये लिख सकते हैं मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा यदि बारिश होगी या रविवार होगा तो देखो ये मैंने उदाहरण लिखा है तो इसमें भी देखो हमारे पास जो संयोजक है वो तो देखो ये या ही आ रहा है लेकिन यहां पर सोचिए क्या बारिश और रविवार दोनों एक साथ हो सकते हैं तो हां बिल्कुल हो सकते हैं तो इसलिए जो ये या हो रहा है ये अंतर्विष्ट वाला या है तो इससे हमें समझना है कि अंतर्विष्ट या अपवर्धित या क्या क्या होते हैं अब जब आपने ये समझ लिया तो यहां पर अब हम इन भागों पर बढ़ते हैं और एक एक करके इन सभी में भी बताएंगे आखिर कौन कौन से या इसमें हैं। तो देखिए पहले वाले भाग में सूर्य उदय होता है या चंद्रमा अस्त होता है अब ये वाला जो या है वो स्वाभाविक सी बात है आपके पास समावेशी वाला या है सॉरी ये आपके पास अपवर्जित वाला या है क्योंकि अगर सूर्य उदय होगा तो एक सी बात है कि चंद्रमा अस्त ही होगा मतलब दोनों काम साथ में नहीं हो सकते तो इसलिए यहां पर आपको समझ में आ गया कि ये अपवर्जित वाला या है तो यही आपको बताना था कि कौन से वाला या है और हम देखो कारण भी आपको समझा रहे हैं क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं अब दूसरे वाले भाग पर आते हैं तो दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन हेतु आपके पास राशन कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए अब ये कैसा है ये तो आपके जनरल चीजों में भी यूज होता है जैसे आपसे ही कोई बोल दे कि आपको राशन कार्ड या पासपोर्ट होगा तभी कुछ सामग्री मिलेगी तो हो सकता था आपके पास राशन कार्ड भी हो या हो सकता है पासपोर्ट भी हो या आपके पास दोनों चीजें भी हो सकती हैं तो इसलिए ये जो या है देखो संयोजक तो यहाँ आ रहा है आपको पहली बोल दिया गया है प्रयुक्त या संयोजक देखिए हर जगह या ही होगा लेकिन यहां पर ये वाला या किस प्रकार का है अंतर्विष्ट प्रकार का है मतलब यहां पर दोनों काम साथ में हो सकते हैं तो यह आपके पास दूसरे वाले भाग का उत्तर हो गया अब तीसरे वाले भाग पर आता हूं तीसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि सभी पूर्णांक धन या ऋण होते हैं तो आपने यहां पर भी देखा कि या संयोजक तो आपके पास याद समझ में आ गया अब देखना है कि क्या यह अपवर्जित है या अंतर्विष्ट है तो आप सोचिए कि अगर सभी पूर्णांक धन हो गए तो क्या वो ऋण हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि धन कोई चीज धनात्मक हो सकती है तो ऋण कैसे हो सकती है वो नहीं हो सकती या अगर ऋण हो गई तो वो धनात्मक कभी नहीं हो सकती मतलब इनमें से कोई एक काम ही एक साथ में एक बार में हो सकता है तो इसलिए जो ये आपके पास या जो संयोजक प्रयोग में हुआ है वो अपवर्जित वाला होगा